नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबर कासगंज से है, जहां कासगंज जनपद की कोतवाली ढोलना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां ढोलना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो अंतर जनपदीय मादक पदार्थ के तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 6 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया। बरामद किए गए गांजे की कीमत बाजार में लगभग 66 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये गांजा तस्कर विशाखापत्तनम से कैंटर में रखी खाली पानी की टंकियों में गांजे के पैकेट रखकर गांजे की सप्लाई किया करते हैं और ये कैंटर में गांजा भरकर विशाखापत्तनम से आगरा की ओर कैंटर से जा रहे थे। तभी ढोलना पुलिस ने गश्त के दौरान शक के आधार पर कैंटर को रोकना चाहा तो कैंटर चालक ने कैंटर को तेज गति से भगाना शुरू कर दिया और कैंटर में बैठे आरोपियों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी और आरोपी कैंटर छोड़कर फिर खेतों की तरफ भागने लगा, जहां पुलिस ने दौड़कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से गांजा बरामद किया है। 2 महीने पहले एक गांजे का कंसाइनमेंट पकड़ा गया था, जिसका कनेक्शन आंध्र प्रदेश से था। विशाखापट्टनम से वो गाड़ी निकली थी और लगभग 1600 किलो की बरामदगी थी। इन्हीं सूचनाओं को हम लोग और डेवलप कर रहे थे कुछ दिनों से, तो एक इनपुट हम लोगों को मिला था कि इसी प्रकार का एक ट्रक जो है वो आंध्र प्रदेश के किसी एरिया से निकलने वाला है, निकला है और जो कासगंज होते हुए अलीगढ़ मथुरा की तरफ जाएगा। कल हम लोगों ने बैरिकेडिंग लगा के चेकिंग भी किया कराया था। उसी समय एक कैंटर जिसका नंबर UP 81 से शुरू होता है, वो गाड़ी पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की गई थी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप राजपथ टीवी चैनल के साथ। साथ ही राजपथ टीवी के वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल वाली घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और साथ ही याद रखें, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।